नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। लखीमपुर किसान जनसंहार के खिलाफ किसान महासभा द्वारा 7 से 13 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह के आज छठवें दिन तहरसी प्रखंड के सोनपुरा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और मांग की गई कि लखीमपुर जनसंहार के दोषी आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करो, तीनों कृषि कानून को रद्द करो। भाकपा माले नेता बीएन सिंह ने कहा कि किसानों पर हो रहे अत्याचार को हम नहीं सहेंगे। भाजपा सरकार हमेशा किसानों को दबाने का काम कर रही है। एक वर्ष होने जा रहा है दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। एमएसपी के नाम पर किसानों से धोखा किया जा रहा है। अगर किसान पूरे देश वर्ष में खेती करना बंद कर दें तो सरकार क्या करेगी? पूरा देश किसानों पर निर्भर है, लेकिन भाजपा के राज्य में किसानों की ही नहीं सुनी जा रही। वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन अब 3 महीने बचे हुए हैं, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? कहा कि अगर मोदी सरकार और योगी सरकार अपने किए हुए वादों को नहीं निभा पा रही है तो तत्काल इस्तीफा दे। इस मौके पर भाकपा माले के नेता विराज सिंह, राजकुमार सिंह, गुड्डू, अविनाश रंजन, सीताराम दास, असलम मियां सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित। कानून क्या है, इससे फायदा कैसे होगा? मोदी जी बोले थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 3 महीना बचा है, नवंबर दिसंबर 2 महीना बचा है, अब कैसे दुगना हो जाएगा? ये समझाने के लिए क्या समझा रहे हैं? तो गांव में जब किसानों के बीच जा रहे हैं इनके नेतागण, इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके एमपी, तो वहां गांव में किसान उनको खदेड़ रहे हैं। तो भाजपा के नेता बोल रहे इसमें काला क्या है, इसमें काला क्या है इस कानून में? तो एक चर्चा हम इसके काले कानून के बारे में करना चाहते हैं। अभी हम यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं गरीब लोगों को का जो जमीन है, जिसपे पिछले 30 सालों से अधिक समय से घर बना है, उस पे जबरदस्ती उजाड़ने की कोशिशें हो रही है। अब अगर ये तीनों काले कानून में कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ठेका का, खेती का, यानी ठेके के खेती में ये होना है, जैसे एक बड़ा कंपनी वाला को लगेगा कि इस इलाके में ईख का खेती करना है, उनको चीनी पैदा करना है, अब तय कर लेगा कि तहरसी ब्लॉक जितना है सारे जमीन में वो ईख का खेती करेगा। ईख का खेती करने के लिए उनको दो बात करना है, किसानों से बात करेंगे कंपनी के लोग, कंपनी का मालिक और किसान, ये दोनों बैठ के फैसला करेंगे। वो कंपनी वाला बोलेगा कि हम इस जमीन में तहसील ब्लॉक का जितना जमीन है सारे जमीन में खेती सिर्फ एक का होगा, वो है ईख का, और सरकार का पदाधिकारी बैठ के दोनों के बीच फैसला कराएगा। अब इसमें किसान को वो बीज देगा, खाद देगा, कीटनाशक दवाई देगा, और उसके साथ ये तय करेगा कि जब फसल पक जाएगा, जब फसल तैयार हो जाएगा तो उसका दाम इतना हम देंगे। अगर वो तय कर लिया कि 1,000 रुपये क्विंटल हमको ये ईख का खेती खरीदना है, ईख को 1,000 रुपये क्विंटल खरीदना है, अगर बाजार में 2,000 रुपये क्विंटल ईख बिकेगा तो वो किसान उसके पास जाके नहीं बेच सकता, 1,000 रुपये ही उसको देना पड़ेगा। तो ये पूरे देश के अंदर अगर सोचिए, और वो दूसरे को नहीं दे सकेगा, यहाँ तक कि अगर उसका बच्चा भी खेत में चला जाए और एक डांड तोड़ के एक चीबना चाहे तो उस पर केस हो जाएगा, एसडीओ को फैसला करेगा केस, यानी जो किसान मालिक था खेत में भुट्टा पैदा कर रहा था तो मालिक था, बच्चों को खिला सकता, ईख पैदा कर रहा है अपने बच्चों को खिला सकता, अपने रिश्तेदारों को खिला सकता, अब वो मालिक से हो गया मजदूर। और इस ढंग से पूरे देश के अंदर अगर खेत कौन ठेका के आधार पर चला जाए तो पूरे देश का जो अनाज है वो बड़े पूंजीपति खरीदेंगे। तब ये एमएसपी चल रहा है सरकार, जो जैसे धान यहाँ पर 2,050 रुपये प्रति क्विंटल सरकार तय किया हुआ है, अब पैक्स में
जाके बेचते हैं 2050 रुपए क्विंटल धान तय है। धान का दाम 2050 रुपए है तो बनिया जो बीच में खरीदे आता है 1000-1100-1200 रुपए खरीदियो लेता है। अगर यो खत्म हो जाए MSP तब आके बनिया कहेगा कि 5 रुपया में देवेल हो तो दे, नहीं तो रास्ता पकड़। अब हमारा बेटा का तबियत खराब है तो हम धान का दाम चाहे जितना मिल रहा हमको तो खरीद लेंगे, हमको बेचना ही पड़ेगा। तो ये पूरे देश के अंदर जो MSP उसको खत्म करना चाहता है ये सरकार। ये मोदी जी बोल रहे हैं कि खरीदने बेचने का काम व्यापारी का है, सरकार का काम नहीं। यानी कि पूरे देश के अंदर से MSP खत्म हो जाएगा। MSP खत्म हो जाएगा मतलब आप लोग राइस मिल का चर्चा सुन रहे, एक राइस मिल खिला है पलामू में। हमारा जो धान खरीदा जाता है ये चला जाता है राइस मिल में, और राइस मिल से चावल बन के फिर चला आता है FCI में, FCI से फिर चला आता है मजदूर किसानों के पास राशन में बटने के लिए। 2013 में एक कानून बना था खाद्य सुरक्षा अधिनियम। 82 करोड़ लोग हिंदुस्तान के हैं जो राशन पर निर्भर हैं, राशन पर वो जिंदा है। अब ये सरकार चाहती है कि वो जो राशन की सुविधा है उसको खत्म कर दे। अब MSP होगा ही नहीं जब सरकार खरीदेगा ही नहीं। अब सरकार धान खरीदेगा ही नहीं, गेहूं खरीदेगा ही नहीं, तब कहां से लाके राशन को देगा। यानी कि ये साजिश, ये जो कानून तीनों बने हैं ये सिर्फ किसानों पे खतरे नहीं बल्कि देश के आम आवाम जो लोग हैं उन पे खतरे हैं। राशन की दुकानें भी बंद हो जाएंगी, ये खतरे हैं। ये लड़ाई जो दिल्ली में किसान कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं, देश के जो 700 करोड़ जनता है उसकी लड़ाई वो कर रहे हैं। देश के बड़ा हिस्सा जो है आम लोगों का, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, शिक्षक है, कर्मचारी है, उनकी लड़ाई कर रही है। ये भूख के खिलाफ लड़ाई कर रही है किसान, इसीलिए किसान के साथ हमें खड़ा होना। और एक बात और, ये जो MSP के बारे में मोदी जी बोल रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि आप MSP लागू कर दीजिए हम लड़ाई वापस ले लेंगे। अब संसद के अंदर मोदी बोल रहे हैं कि MSP था, MSP है और MSP रहेगा। और हमारे और किसानों के बीच में एक फोन कॉल का दूरी है, एक फोन कॉल अगर किसान कर ले हम उनके साथ बैठ जाएंगे। 10 महीने से अधिक समय से किसान दिल्ली के सड़कों पे बैठे हुए हैं, सिंगल बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां पे किसान बैठे हुए हैं 10 महीने से अधिक समय से, लेकिन मोदी के पास इसके लिए फुर्सत नहीं। किसान कह रहे हैं कि आप MSP कानून बना दीजिए, तो भाई क्यों परेशानी है कानून बनाने में। तो मोदी कानून इसीलिए बनाना चाहते हैं कि पूरे देश के खेती को ठेके में दे देना चाहते हैं, वो दे देना चाहते हैं यहाँ के कंपनी के हाथों में। कंपनी राज 200 सालों तक कंपनी राज को घेरा था। हमने एक बात कहा कि चीन में वहां के नेता माओ त्से-तुंग वो लॉन्ग मार्च में उनके साथ चल रहा था, तो कुछ सैनिक थक गए, कहीं रुक गए, कहीं मजदूर बन गए, कहीं किसान बन गए, कोई कहीं दुकानदार बन गए, कोई कहीं शिक्षक बन गए। लेकिन जब लॉन्ग मार्च के बाद माओ त्से-तुंग लौट के आए, अनुकूल स्थिति आई, और जब अनुकूल स्थिति आई तो जो लोग जहां बैठे थे सेना के लोग वो सारे उठ के खड़े होने लगे, और पूरे चीन का नक्शा बदला और चीन के अंदर मजदूरों का राज आया था। हम देख रहे हैं, आने के बाद हम महसूस कर रहे हैं एक बात को। अभी हम यहाँ बैठे ही थे, एक उम्मीद जगी है लोगों के अंदर, लाल झंडे को देख के उम्मीद जगी है। एक साहेब मियाँ हैं, आते ही आते हम पे एक आवेदन मेरे नाम से थमाया, वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इनके का जो जमीन है, इनकी जमीन है, घर बनाना चाहते हैं, और यहाँ के जो जमींदार जिनके खिलाफ लड़ाई चल रही थी किसानों के जमीन को सुभाष सिंह अपने कब्जे में लंबे समय बना के रखे थे। हमें वो दिन याद है, यहीं पे सभा हो रही थी, हमने कहा था, हमें एक पत्र लिखा था कि आपके पिता और हम साथ पढ़ाई किए थे, हम बात करना चाहते। तो हमने कहा था कि भाई आप
हत्यारे हैं, यहाँ से ढेर सारे लोगों को उजाड़ के आपने बाहर फेंक दिया था। इस गांव से ढेर सारे लोग, कुछ लोग तो यहीं पे मारे गए थे। हमें जानकारियां मिली हैं कि इसी गांव में सुभाष सिंह का जब राज था उस स्थित रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए GCP न्यूज के साथ। नमस्कार। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।